प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव जीतने के लिए किसी भी प्रकार से कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। शिवपुरी विधानसभा से जहां एक ओर कांग्रेस के कद्दावर नेता केपी सिंह कग्गाजू चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से भी दिग्गज नेता देवेंद्र जैन पत्ते वाले चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते आज केंद्रीय जल संसाधन मंत्री प्रहलाद पटेल आज देवेंद्र जैन पत्ते वाले के समर्थन में आमसभा को हेलीकॉप्टर से संबोधित करने पहुंचे, जहां हजारों लोगों के समक्ष केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी अनेकों कटाक्ष किए। देखिए क्या कहा प्रहलाद पटेल ने, खोड़ से आबिद बख्श की रिपोर्ट। आने वाली पीढ़ी को मिसाल होगी जो उसने जिस जिम्मेदारी के साथ जिद करके मुझे सीट पर लेकर आए। ये राजनीति में परिवारवाद कहने वालों के लिए मुंह पर चांटा है और मैं परिवारवाद का विरोधी हूँ, सामंतशाही का विरोधी हूँ। मैंने जीवन भर भय समाप्त करने के लिए कहा, भयभीत किसी से हुआ नहीं, भयभीत किसी को किया नहीं, भय जहाँ दिखा उसे नष्ट करने में सदैव काम करता रहा सर। लेकिन कांग्रेस तुष्टिकरण में अंधी हो गई है, परिवारवाद में पागलपन की सीमा को पार कर दिया है और परिवारवाद का उदाहरण इसी विधानसभा में जो महाराज आए हैं वहाँ से जो अन्याय करके आए हैं उनको शिवपुरी में सजा मिलेगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास वंशवाद के अलावा और परिवारवाद के अलावा कुछ है नहीं। झूठ और भ्रम उसकी ताकत अब खत्म हो गई है। विकास के सामने गरीब कल्याण जीतेगा, भ्रम और भय हारेगा। राहुल जी के बारे में आपने कहा ना धर्म का पता है ना जात का पता है, आप पूछ लो, आप बताओ, आप पूछ के बता दो, कोई पूछे, हमने पूछा है, उमा जी को क्यों दरकिनार करके चल रही है।